नमस्कार, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय संस्कृत। आज हम संस्कृत में जानवरों के नाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने एक चित्र है जिसमें एक खूंखार जानवर जो जंगल में रहता है, जंगल का राजा कहलाता है, जिसे हम शेर कहते हैं, इसे संस्कृत में हम सिंह कहते हैं। इस सिंह पर हम एक संस्कृत में वाक्य भी बोल सकते हैं, सिंह गर्जति अर्थात शेर दहाड़ता है। दूसरा हमारे सामने चित्र है एक लंबी सूंड, बड़े बड़े कान, जिसे हम हिंदी में हाथी कहते हैं और इसको संस्कृत में गज बोलते हैं। गज पर भी एक वाक्य हम बना सकते हैं, जैसे गज स्ने स्ने गच्छति अर्थात हाथी धीरे धीरे जाता है। अब उसके बाद हमारे सामने एक सुंदर प्यारा सा जानवर है जिसे हम हिंदी में हिरण कहते हैं, जो घास खाना पसंद करता है और जंगलों में इधर उधर घूमता रहता है। इस हिरण को हम संस्कृत में मृग बोलते हैं। इस पर भी हम एक वाक्य बना सकते हैं, जैसे मृग धावती अर्थात हिरण दौड़ता है। उसके बाद ये हमारे सामने चित्र है कुत्ता, इसे हम सब पहचानते हैं, जो हमारे घर की रखवाली करता है और बहुत ही प्यारा रहता है। इसे संस्कृत में कुकुर या स्वान, कुकुर भी कहते हैं, स्वान भी कहते हैं। इस पर भी एक वाक्य बनता है, जैसे कुकुर बसती अर्थात कुत्ता भौंकता है। अगला चित्र हमारे सामने है एक मानव के जैसा समान शरीर है, लेकिन इसकी एक लंबी पूंछ है, जिसे हम बंदर कहते हैं और संस्कृत में हम इसे वानर कहते हैं। इसके बारे में हम वाक्य बना सकते हैं, वानर कूदती बंदर कूद रहा है। ये बहुत ही नटखट होता है। इसके बाद हमारे सामने एक प्यारी सीधी सादी बोली वाली गाय का चित्र है, जिसे हम गाय माता कहते हैं और संस्कृत में इसे हम धेनु गाय या गो भी कहते हैं। और ये गाय हमको मीठा दूध पिलाती है। इसे संस्कृत में भी एक वाक्य बना सकते हैं, धेनु दुग्धम ददाती गाय दूध देती हैं। फिर उसके बाद एक सुंदर प्यारा सा जानवर खड़ा है जो तेज रफ्तार में दौड़ने वाला है, सवारी के काम आता है, जिसे हम हिंदी में घोड़ा कहते हैं और संस्कृत में इसे हम अश्व कहते हैं। और ये तेज दौड़ता है, सवारी करने काम आता है, राजा महाराज भी इस पर सवारी करते थे। इस पर भी हम एक संस्कृत में वाक्य बोल सकते हैं, इसे अश्व धावती अर्थात घोड़ा दौड़ता है। अब ये सामने एक काले रंग का बड़ा सा जंगली जानवर है, बहुत ही डरावना है, जिसे बच्चे डर जाते हैं। इसे हम हिंदी में भालू कहते हैं और संस्कृत में इसे हम भलुकह कहते हैं। तो इस पर भी एक वाक्य हम बोल सकते हैं, भलुकह नृत्यम करोति भालू नृत्य करता है। अब उसके बाद हमारा एक छोटा सा सफ़ेद रंग का प्यारा सा छोटा सा प्यारा जानवर है, जिसे हम खरगोश कहते हैं और खरगोश भी चलने में फुर्तीला होता है, और इसे हम खरगोश को संस्कृत में सस बोलते हैं। इस पर हम एक वाक्य बोल सकते हैं, जैसे सस शीघ्रम गच्छति अर्थात खरगोश जल्दी जाता है। उसके बाद में एक हमारे सामने चित्र में जानवर खड़ा है जो घास खा रहा है, जो बोझा ढोने के काम आता है, इसे हम हिंदी में गधा बोलते हैं और इस गधे को संस्कृत में गर्दभ कहा जाता है। तो इस पर भी एक वाक्य करते हैं, गर्दभ भारम वहती गधा भार ढोता है। उसके बाद एक हमारे सामने जंगली जानवर है शेर के समान ही, जिसे हम चीता बोलते हैं, जो दौड़ने में तेज रफ्तार सबसे तेज है, इसलिए इसे हम संस्कृत में भी इसको चित्रक बोलते हैं।
यानी हिंदी हम चीता जिसे कहते हैं, इस पर वाक्य बोल सकते हैं चित्रक शीघ्रम धावती, चीता जल्दी दौड़ता है। उसके बाद हमारे सामने एक छोटा सा प्राणी है जो घरों में हम अक्सर देखने मिलते हैं, जो हमारे घर में कई तरह के नुकसान भी करता है, कपड़े काट लेता है, पुस्तकें वगैरह भी खा जाता है, जिसे हम चूहा बोलते हैं हिंदी में और संस्कृत में इसे हम मुसक कहते हैं। तो ये भी उधर उछलता कूदता रहता है, इसलिए इसके वाक्य बनता है मुछक इत इस धावती, अर्थात चूहा इधर उधर दौड़ता है। इस तरह ये हमारे सामने कुछ जानवरों के नाम थे जिसे हम संस्कृत और हिंदी में अभ्यास किया। अब हमारे सामने कुछ कक्षा कार्य में अभ्यास प्रश्न है, जैसे पहले प्रश्न लिखा है नीचे लिखे जानवरों के नाम को संस्कृत में लिखना है, जो हमने पहले अभ्यास किया है उन्हीं में से हमको इन नामों को संस्कृत में लिखना है, जैसे गधा, खरगोश, हिरण, शेर, गाय, चीता, इन सब नामों को हमको संस्कृत में लिखना है। दूसरे प्रश्न लिखा है निम्न शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए, या नीचे कुछ जानवरों के नाम संस्कृत में लिखे हुए इनके हमको हिंदी अर्थ लिखना है, जैसे मुसक वानर, भल्लूक अश्व, कुकुर, गज आदि। इसके बाद हमारे सामने गृह कार्य कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, जिसमें पहले प्रश्न में ही लिखा है कोई 10 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखना है, जो हमने अभ्यास किया है उसमें से या इसके अलावा भी कुछ आपको ध्यान में आते हैं तो उन नामों को हम संस्कृत में अपनी अभ्यास कॉपी में गृह कार्य में लिखेंगे। इति धन्यवाद।